फरवरी के महीने में टीवी 9 भारतवर्ष ने आपको कोरोना से भयभीत यूरोप की हर तस्वीर दिखाई थी। फ्रांस, स्पेन और इटली में कोरोना से सबसे ज्यादा तबाही हुई थी। अब यूरोप में कोरोना का तीसरा अटैक हुआ है। स्पेन सरकार ने लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध लगा दिए हैं, लेकिन स्पेन के कई शहरों में लोग इन प्रतिबंधों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं और बंद पड़े शोरूम मॉल्स लूट रहे हैं। कोरोना काल में स्पेन को अराजकता की एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। देखिए ये रिपोर्ट। मौजूदा दौर में कोरोना से बड़ा खतरा और क्या हो सकता है, लेकिन स्पेन में इस आपदा को कुछ अराजक तत्वों ने कैश कर लिया है और बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल पड़े हैं शोरूम लूटने। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा, आंसू गैस के गोले दागने पड़े और लाठियां भांजनी पड़ी। दरअसल यूरोप में कोरोना की तीसरी लहर से बड़ी तबाही का अलर्ट है। स्पेन सरकार ने एहतियातन लॉकडाउन जैसे प्रतिबंध लगा दिए, लेकिन सरकार के इस कदम से विपक्ष भड़क गया। विपक्ष समर्थक इन प्रतिबंधों को अपनी आजादी का हनन मान रहे हैं और सरकार के प्रतिबंधों को तोड़कर हजारों की तादाद में सड़कों पर निकल पड़े। स्पेन के चार शहरों में गुस्साई भीड़ ने सबसे ज्यादा उपद्रव किया। लोगोना, सेंटाडर, मलेगा और राजधानी मैड्रिड में कई जगह जमकर लूटपाट हुई। पुलिस से भिड़ंत में कई प्रदर्शनकारी भी घायल हो गए। स्पेन सरकार ने यह भी नियम लागू किया है कि अब स्पेन में घुसने के लिए किसी को भी पिछले 3 दिनों की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। स्पेन 2 चरणों में कोरोना का कहर देख चुका है। 1 साल पहले इन्हीं दिनों स्पेन में ये जानलेवा वायरस दस्तक दे चुका था, लेकिन प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। स्पेन में कोरोना वायरस से संक्रमितों का आंकड़ा 16 लाख पार कर गया है और कोरोना से मौत का मीटर 43,000 पार कर चुका है। इसी वजह से सरकार बहुत घबराई हुई है। स्पेन में एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ विपक्षी और कैटेलोनिया समर्थक भी सड़कों पर हैं। वो भी लॉकडाउन के खिलाफ अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, जिससे हालात बेकाबू होते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यू स्टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।